हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनीत बाफेर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मारुति नेक्सा इग्निस का सेकेंड बेस यानी सिग्मा से ऊपर वाला वेरिएंट डेल्टा। ये आती है 1.2 लीटर पेट्रोल 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में और इसमें आता है AMT ऑटोमेटिक वेरियंट। इस गाड़ी की प्राइसिंग स्क्रीन पर फ्लैश कर रही हैं, आप चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर और देखेंगे इसके सारे फीचर्स को। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले इस गाड़ी के फ्रंट लुक को देखने। तो ये देखिए, ये है इग्निस का फ्रंट लुक आपके सामने। डेल्टा वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गाड़ी SUV पैटर्न पे डिजाइन की गई है, तो देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्रंट लुक कितना बोल्ड दिया हुआ है। इसके जो कीज हैं वो देखिए कुछ इस तरीके की, दो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की मिलेंगी यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। देखिए दोनों ही रिमोट कीज हैं। चलिए फ्रंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखिए इसके फ्रंट पे क्रोम को यूज किया गया है जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से प्रीमियम बनाता है। नीचे की तरफ इसके प्लेट्स देखिए, ये भी SUV पैटर्न पे देखिए दे रखी हैं, बोल्ड हैं और सिल्वर उस पर दी हुई है, सिल्वर कलर पे दे रखी हैं, जिसकी वजह से ये देखिए गाड़ी फ्रंट से बोल्ड लुक दे रही है। फ्रंट की लाइट्स की बात करेंगे तो इस वेरिएंट में देखिए बड़े साइज़ के यानी इग्निस में जो है बड़े साइज़ के हेडलैम्प्स आते हैं। इसमें देखिए हैलोजन रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स दे रखे हैं। फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, फॉग लैम्प्स इस वेरिएंट पे नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये देख लिया आपने इस गाड़ी का फ्रंट लुक। चले चलते हैं साइड प्रोफाइल को एक्सप्लोर करने। तो देख सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ जिससे आपको अच्छे से इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये है इग्निस डेल्टा का साइड प्रोफाइल आपके सामने। इसमें जो व्हील्स हैं, स्टील व्हील्स आएंगे विद फुल व्हील कैप्स। ये देखिए सिल्वर कलर के फुल व्हील कैप्स दिए हुए हैं। टायर साइज जो है वो दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 175/65R 15 इंच के ये व्हील्स आएंगे। व्हील आर क्लैडिंग आप देख सकते हैं, जो कि पीछे के व्हील्स से देखिए डोर्स के नीचे कंटिन्यू होते हुए आगे के व्हील्स तक जाती हैं, जो कि इस गाड़ी को साइड से प्रोटेक्ट भी करती हैं और बोल्ड SUV लुक भी देती हैं। इसके आउटसाइड मिरर्स जो हैं वो बॉडी कलर्स में दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए साइड के टर्न इंडिकेटर्स इंसर्ट कर रखे हैं और बॉडी कलर हैंडल्स भी इसमें मिलेंगे। इस साइड सी पिलर पर देखिए, यहाँ पे ये पैटर्न आप देख सकते हैं और फ्यूल इंटेक एरिया इस साइड पे दिया हुआ है। और डेल्टा वेरिएंट पे देखिए तो ब्रिज टाइप रूफ रेल्स भी मिल जाएगी, जो कि अगेन इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक देती है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल को चेक करते हैं। तो ये देखिए इग्निस डेल्टा पीछे से आप चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे टॉप से देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखिए माइक्रो रूफ एंटीना मिल जाएगा। ये देखिए एक स्पॉइलर इसमें लगा हुआ है, जो कि इस गाड़ी को देखिए बैक से स्पोर्टी लुक भी देता है और एरोडायनेमिक्स को भी इम्प्रूव करता है। टेल लैम्प चेक कर लीजिए, स्प्लिट पैटर्न में टेल लैम्प्स हैं, बल्ब बेस्ड दिए हुए हैं इग्निस की। देखिए यहाँ पर बैजिंग है सेंटर पर, सुजुकी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ बम्पर्स देख सकते हैं, ये बॉडी कलर्स में है और यहाँ पर जो स्किड प्लेट्स हैं बैक बम्पर की भी, वो भी सिल्वर फिनिश में है। हालांकि कलर सेम है, इस वजह से आपको ये अलग नहीं दिख रही है। जब आप कोई और कलर की गाड़ी परचेज करेंगे तो डेफिनेटली ये पोर्शन आपको अलग दिखाई देगा। 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, जो कि बीप के थ्रू मदद करेंगे जब आप गाड़ी को करेंगे बैक। तो दोस्तों ये आपने देख लिया इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल। इस वेरिएंट में डिफॉगर्स एंड वाइपर्स नहीं मिलते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके सबसे पहले बूट को। तो ये 5-door लॉकिंग के साथ गाड़ी आती है। यहाँ पे देखिए एक लीवर है, इसको प्रेस करिए, टेल गेट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 260 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा, ये देख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर बूट लैंप भी दिया हुआ है, जो कि ये देखिए स्विच बेस्ड है, इसको आप बंद भी कर सकते हैं। बाकी स्पेयर व्हील इसी में नीचे तरफ रखा हुआ है, दिखा देता हूँ। ये देखिए ये स्पेयर व्हील है, जो कि बाकी व्हील्स की तरह ही स्टील पे है। और साइज़ देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है। ये देखिए ये इसमें साइज़ लिखा हुआ है 175/65R 15 इंच, यानी सेम साइज़ का स्पेयर व्हील मिलेगा। इसके बाद इस गाड़ी की जो बैक सेटिंग है ये भी काफ़ी अच्छी है। इसमें भी एक अच्छा फीचर दिया हुआ है, जो कि जनरली इस सेगमेंट की गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है। एक मिनट में ज़रा हेडरेस्ट नीचे कर दूं। ये जो पीछे की सेटिंग्स हैं ये 60-40 स्प्लिट दी है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप सिर्फ ज़रूरत पड़े तो 1% बेंड करिए, इस साइड बैठ सकते हैं, इस साइड लगेज रख सकते हैं, या इधर वाला बेंड कर दीजिए, उधर वाला पिक कर लीजिए, या फिर दोनों ही बेंड कर दीजिए। और देखिए इतना बड़ा एक लगेज स्पेस बन गया। पार्सल ट्रे भी जो है वो भी डिटैचबल दी हुई है। दोस्तों बूट चेक कर लिया, अब बढ़ते हैं केबिन की तरफ और देखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स को। तो ये देखिए ये है इसका इंटीरियर थीम आपके सामने। लाइट कलर का इंटीरियर थीम मिलेगा। ऊपर का पोर्शन देखिए तो ब्लैक फिनिश में दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसके इंटीरियर थीम कलर को मैं ज़रा इग्निशन को
ऑन कर देता हूँ और अब देख लीजिए आप फ्रंट साइड से बाकी फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं। पहले देखते हैं इस गाड़ी की बैक सेटिंग। तो ये देखिए चारों पावर विंडोज़ इस वेरिएंट में आते हैं। यहाँ पे पावर विंडो का स्विच प्लेस्ड है, नीचे तरफ बॉटल होल्डर मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स पीछे के डोर पे नहीं लगे हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए इनसाइड डोर हैंडल्स जो हैं वो क्रोम फिनिश में दिए हुए हैं। बैक सेटिंग आप देख सकते हैं इग्निस डेल्टा की। ये हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट पे बनी हुई है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। मेरी हाइट है दोस्तों 5'8" और मैंने ड्राइविंग सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर दिया। देखिए काफ़ी अच्छा इसमें मिलता है लेग रूम और यहाँ पे इसकी जो सीटिंग है ये भी काफ़ी हाइटेड है, तो यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो फील अच्छा आएगा, ऐसा लगेगा आप थोड़ा सा ऊँची तरफ बैठे हुए हैं। रियर एसीवेंट इसमें नहीं आता, सिर्फ यहाँ पर बॉटल होल्डर दे रखा है। सेंटर हम थोड़ा सा देखिए ऊँचा है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये देखिए ऊपर की तरफ इसमें आपको मिल जाएगी फोल्डिंग टाइप असिस्ट ग्रिप्स। इधर भी देख लीजिए। चलिए पीछे के चीज़ों को चेक कर लिया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ड्राइविंग साइड का डोर देखते हैं। तो ये देखिए इग्निस का ये है ड्राइविंग साइड का डोर। हैंडल देखिए कितने खूबसूरत पैटर्न पे दिया हुआ है। चारों पावर विंडोज़ आती हैं, तो यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेज़ है जिसमें ड्राइविंग साइड का विंडो ऑटो दिया हुआ है। एक बार में पूरा नीचे आ गया बट ये ऑटो अप नहीं मिलेगा। आउटसाइड मिरर्स इस गाड़ी के मैनुअल फोल्ड हैं। यहाँ पे इनको आपको ओपन क्लोज मैनुअल करना होगा, लेकिन एडजस्टमेंट जो है वो आप बटन से यहाँ पे इनके ग्लासेस को कर सकते हैं। बाकी ये चाइल्ड विंडो लॉक का बटन है और ये सेंट्रल डोर लॉक का बटन दिया है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट बॉटल होल्डर मिल जाएगी। म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर्स आगे के डोर्स में लगे हैं। चलिए दोस्तों फ्रंट सेटिंग देख लीजिए इग्निस डेल्टा की। ये भी हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट पे बनी है और इसकी जो ड्राइविंग सीट है देखते हैं तो ये हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगी। ये जो लीवर देख रहे हैं ये बैक रेस्ट के लिए है, ये वाला लीवर सीटों को स्लाइड करने के लिए है। सीटों के डिज़ाइन एंड मटीरियल को चेक कर लीजिए। इग्निस डेल्टा की फैब्रिक मटीरियल में ये सीटें बनी हैं। बाकी डैशबोर्ड को बैठते हैं अंदर और अच्छे से आपको एक बार एक झलक दिखा देता हूँ इस गाड़ी के डैशबोर्ड की। तो ये देखिए इग्निस डेल्टा 2021 वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साइड पे देखिए हेडलैम्प बीम एडजस्टर मिल जाएगा। नीचे की तरफ जो है इसमें देखिए ये फ्यूल कैप को ओपन करने का लीवर दिया हुआ है। और चीज़ें देखते हैं तो स्टीयरिंग आपको इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रखी है, फ़ोन को आप पेयरिंग करके कॉलिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं। एक एयरबैग देखिए यहाँ पे स्टीयरिंग पे लगा है, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने मिल जाएगा, यानी डुअल एयरबैग्स आते हैं। साथ में ABS EBD और भी जो भी इसमें सेफ्टी फीचर्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल आपके सामने है। MID डिस्प्ले, स्पीडोमीटर, RPM मीटर मिल जाएगा और MID डिस्प्ले की इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए यहाँ पे देखिए बटन दिया हुआ है। इससे आप इसकी इन्फॉर्मेशन स्विच करके देखिए कई सारी देखिए इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और ये अंदर की लाइट की इंटेंसिटी को कम करने का बटन दिया हुआ है। चलिए सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो इसमें आपको कीपैड बटन बेस्ड म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। देखिए ये फ्लोटिंग पैटर्न पे यानी उभरा हुआ म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। इसमें CD प्लेयर आता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन है जो कि यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए दे रखा है। पेन ड्राइव इन ऑक्सिलरी पोर्ट है। दो स्पीकर्स के साथ ये म्यूजिक सिस्टम आएगा। म्यूजिक सिस्टम के नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पे हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच को प्लेस किया हुआ है। फर्दर नीचे देखेंगे तो AC आपको इसमें मैनुअल मिलेगा। इस साइड पे 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए कुछ कप होल्डर्स दे रखे हैं, इधर की तरफ देख सकते हैं। इस साइड पे देखिए हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ दिया हुआ है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये देखिए डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाएगा। फ्रंट की ये मैप लाइट दी हुई है। सनवाइजर्स के बैक साइड पे देखिए वैनिटी मिरर है और इस साइड पे सिर्फ टिकट होल्डर दिया हुआ है। एक बार मैं आपको इसका बॉक्स भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स स्पेस आप चेक कर सकते हैं। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। बाकी डिज़ाइन ये है आपके सामने। चलिए दोस्तों ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ये गाड़ी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में है। AMT ऑटोमेटिक का लीवर कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जैसे बैक गियर लगाएंगे तो आपको देखिए बीप सुनाई दी। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की बीप है। पीछे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो बीप कंटिन्यूस बजने लगेगी। तो दोस्तों आपने देख लिया 2021 इग्निस डेल्टा के सारे फीचर्स, काफ़ी सारे ज़रूरत के फीचर्स आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका बोनट भी चेक करवा देता हूँ।
दोस्तों इग्निस का ये आप पेट्रोल इंजन देख रहे हैं जो कि VVT टेक्नोलॉजी बेस्ड है। 1197 cc का डिस्प्लेसमेंट है, चार सिलेंडर पे बना हुआ है। मैक्सिमम पावर बनाता है 61 kW का 6000 RPM पे, एंड टॉर्क है 113 Nm का 4200 RPM पे। इसका माइलेज क्लेम किया गया है 20.89 km/L में। सो दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। आपने देखी मारुति नेक्सा इग्निस का डेल्टा वेरिएंट जो कि इस गाड़ी का सेकेंड बेस वेरिएंट है। मैंने आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग एंड सारे फीचर्स चेक कराए। अब आप बताइए ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है। जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।